चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर सी राजकुमारी थी। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा नाज था। और वो अपने आसपास सिर्फ सुंदर चीजें ही देखना पसंद करती थी। हमारी इस बगीचे में सिर्फ सुंदर पक्षी ही चाहिए। हम चाहते हैं कि ये कौवे यहाँ से चले जाएं। ये बहुत ही बदसूरत है। एक दिन सुबह राजकुमारी के पिताजी ने उसे एक सुनहरा गेंद दिया। ये गेंद आपके लिए है राजकुमारी। हम जानते हैं आपको सुंदर चीजें पसंद हैं, पर आपको ये याद रखना चाहिए कि आप दूसरी चीजों में भी सुंदरता तलाश करें, है ना? धन्यवाद पिताजी। राजकुमारी को अपने महल के पीछे वाले खूबसूरत से बगीचे में टहलना अच्छा लगता था और आज सुबह वो अपने साथ सुनहरा गेंद भी लाई थी। वो गेंद को ऊपर हवा में उछालती और जमीन पर गिरने से पहले उसे पकड़ लेती। पर खेलते समय वो थोड़ा लापरवाह थी और जब इस बार गेंद उछाला तो राजकुमारी उसे पकड़ नहीं पाई। और गेंद जमीन से टकराकर उछलते हुए जा गिरी तालाब में। राजकुमारी निराश हो गई। उसे ये यकीन हो गया था कि अब उसे वो सुनहरी गेंद कभी वापस दोबारा नहीं मिलेगी। ओहो, हमने अपनी सुंदर सी सुनहरी गेंद खो दी। अब हमें वैसी गेंद कभी नहीं मिलेगी। काश कोई होता जो उसे वापस पाने में हमारी मदद करता। राजकुमारी तब हैरान रह गई जब कमल के पत्ते पर बैठा एक मेंढक उछला और उससे बोला, नमस्कार राजकुमारी, मैंने देखा आपने अपनी गेंद खो दी। मैं उसे वापस ला सकता हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप उसके बदले में कुछ करेंगी। हाँ? राजकुमारी को वो मेंढक बहुत ही बदसूरत लगा। वो तो उसे देखते ही फौरन वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसे वो सुनहरी गेंद वापस चाहिए थी। इसलिए उसने मेंढक से कहा, हम वादा करते हैं हम तुम्हें अपना सारा सोना चांदी दे देंगे अगर तुम हमारी गेंद वापस ले आए। राजकुमारी के इस वादे पर वो मेंढक जोर से हंस पड़ा। उसे सोना या चांदी नहीं चाहिए था। नहीं राजकुमारी, मुझे सोना या चांदी नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और ही चाहिए। हाँ? राजकुमारी ये जानने के लिए बेताब थी कि मेंढक को आखिर क्या चाहिए था। तो तुम्हें क्या चाहिए मेंढक? मैं आपकी थाली में खाना चाहता हूँ, नाचना चाहता हूँ और आपके कमरे में सोना भी। हाँ? राजकुमारी को
ना तो मेंढक पसंद आया ना ही उसकी मांग। लेकिन उसका महल उस तालाब से काफी दूर था और राजकुमारी ये जानती थी कि वो मेंढक वहाँ का रास्ता कभी नहीं ढूंढ पाएगा और इसलिए वो मान गई। ठीक है मेंढक, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ खाना खाएंगे और तुम्हारे साथ नाचेंगे और तुम्हें अपने कमरे में सोने भी देंगे। तो मैं आपकी गेंद झट से लेकर आता हूँ। मेंढक ने पानी में छलांग लगाई, तालाब की गहराई में गया तो सतह पर उसे सुनहरी गेंद मिल गई। ये रही गेंद राजकुमारी, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी है अपना वादा पूरा करने की। हाँ? राजकुमारी तेजी से महल की ओर भागी। सुनहरी गेंद पकड़कर जल्दी ही वो उस मेंढक को भूल गई। उसने इरादा कर लिया था कि वो दोबारा उस मेंढक से नहीं मिलेगी। लेकिन उस दिन रात को जैसे ही राजकुमारी खाना खाने के लिए बैठी, दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? ये वही मेंढक था। वो उछल कर महल के अंदर आ गया और ठीक राजकुमारी के बगल में बैठ गया। कैसी हो राजकुमारी? मैं आ गया। राजा भी उस मेंढक को देखकर बड़े हैरान थे। ये मेंढक कौन है राजकुमारी? आप इसे जानती हैं? ये यहाँ क्यों आया है? राजकुमारी ने राजा को उस मेंढक के बारे में सब कुछ बताया। इस मेंढक ने आज सुबह हमारी सुनहरी गेंद ढूंढने में मदद की थी पिताजी, और हमने इसे वादा किया था कि हम इसे अपने साथ खाना खिलाएंगे और ये भी कि हम इसके साथ नाचेंगे और इसे अपने कमरे में सोने देंगे। राजा किया हुआ वादा निभाने में विश्वास रखते थे और वो चाहते थे कि राजकुमारी भी अपना वादा निभाए। वादा तो वादा होता है राजकुमारी, और अगर आपने वादा किया है तो निभाना चाहिए, खास तौर पर उसका तो जरूर जिसने आपकी मदद की हो। चलिए राजकुमारी, अब अपना वादा पूरा कीजिए, अपनी थाली में मेंढक को खिलाइए। और इस तरह राजकुमारी ने मेंढक को अपनी थाली में खाना खिलाकर अपना वादा पूरा किया। मजेदार है। खाने के बाद मेंढक ने राजकुमारी को अपने साथ नाचने को कहा। राजकुमारी, क्या अब हम नाच सकते हैं? राजकुमारी ने मेंढक के साथ नाचकर अपना ये वादा भी पूरा कर लिया। हालांकि वो ऐसा करके बिल्कुल खुश नहीं थी। ला 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 ला। उस रात बाद में मेंढक राजकुमारी के कमरे में सोने चला गया। सो जाइए राजकुमारी, मीठी नींद में। राजकुमारी ने अनचाहे मन से
मेंढक को अपने कमरे में सोने देने का वादा भी पूरा किया, लेकिन वो खुश नहीं थी। अगली सुबह जब राजकुमारी जागी तो उसे मेंढक कहीं नजर नहीं आया। शुक्र है वो मेंढक चला गया। पर राजकुमारी तब हैरान रह गई जब उसने कमरे में एक सुंदर से राजकुमार को देखा। नमस्ते राजकुमारी, आपने पहचाना नहीं? मैं वही मेंढक हूँ जिससे आप कल मिली थीं। राजकुमारी को यकीन नहीं हो रहा था। तुम हो वो मेंढक? तब राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मेंढक में बदल जाने की कहानी सुनाई। जी राजकुमारी, मैं असल में एक राजकुमार हूँ। असल में एक बुरी चुड़ैल ने अपने जादू से मुझे मेंढक बना दिया था। उसने कहा कि मैं तभी फिर से राजकुमार में बदल सकता हूँ जब मैं एक सुंदर राजकुमारी की थाली में उसके साथ खाऊंगा, उसके साथ नाचूंगा और वो मुझे अपने कमरे में सोने देगी। और क्योंकि आपने ये सब किया तो वो जादू खत्म हो गया। मैंने किया? जी हाँ। राजकुमारी बहुत खुश थी कि उसने अपना किया वादा निभाया। जल्दी ही राजकुमार और राजकुमारी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर दोनों की शादी भी हो गई। और राजकुमार ने राजकुमारी को बताया कि हर चीज में खूबसूरती कैसे देखी जाती है। घर कभी नहीं, अब तुम दोनों यहीं रहोगे और मैं तुम दोनों को खाऊंगी। जरा इन चींटियों को तो देखो चाचा, ये चींटियां इतनी छोटी होते हुए भी बचा कुचा खाना उठाकर अपने घर ले जा रही हैं। धन्यवाद मिस डॉर्थी, खरगोश के साथ खेलने में बहुत मजा आया। चूचू और उसके दोस्त बहुत खुश हो गए। उन्होंने हमेशा वही किया जिससे कि जेकब को अच्छा लगे